बीजेपी की वरिष्ठ सांसद रीता बोगना जोशी जी हमारे साथ मौजूद है। मैम, आज संसदीय दल की बैठक हुई, कल स्थापना दिवस भी, क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा? नहीं, बड़ी प्रसन्नता है सब सांसदों में, क्योंकि पहली बार 100 का आंकड़ा राज्यसभा में पार हुआ है और साथ ही साथ चार चार प्रदेशों में प्रचंड जीत हुई है। तो इन सब विषयों को लेकर कल अब सांसद सदन भी चल रहा है, तो युवा के सब सांसद एक जगह एकत्रित होंगे NXC में, वहाँ प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन होगा। तो उसके लिए खुशी में सबको चॉकलेट्स भेजी गई हैं और टोपी है पार्टी की जिसका नया डिजाइन बना है। बिल्कुल नई टोपी जो है इस बार सांसदों को दी गई, साथ में चॉकलेट भी दी गई है, क्या संदेश है उस टोपी और चॉकलेट? गर्व की बात है, 43वां ये स्थापना दिवस है तो स्वाभाविक है, खुशी का माहौल है। खासतौर से जो जिस प्रकार का जन समर्थन पार्टी को मिल रहा है उसके प्रति आभार एक तरह से और प्रसन्नता है। सवाल है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से गोरखनाथ मंदिर में हमला हुआ है, आतंकी साजिश की जांच भी इस मामले में हो रही है, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जा रहा है, किस तरह से आप देखते हैं सुरक्षा व्यवस्था पे? लगातार विपक्ष जो है सवाल भी उठाता रहा है उत्तर प्रदेश में, कहते वो एकल आक्रमण था, वुल्फ जिसको कहते हैं असाइनमेंट था, लोग पकड़े गए, लड़का पकड़ा गया है, ये बहुत ही गलत है। हमारा लोकतंत्र बहुत ही शांतिप्रिय है, हर एक को अपनी बात कहने के लिए फोरम है, संवैधानिक तरीका है, तो लोकतांत्रिक तरीका है, तो इस प्रकार की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस प्रकार की हर हिंसा को दबा दिया जाएगा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन राहुल के साथ आवाज़ स्वास्थ्य भारत समाचार दिल्ली।